हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र सीमलेस शेयर को लेकर। इसका नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, हम अच्छी तरीके से जानेंगे हमारे बाजार के स्पॉट से। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के लिए कौन सा स्टॉक लेकर आए हैं आज आप? हाँ बिल्कुल स्वाति, अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करनी है तो मुझे लगता है इन लेवल्स पे महाराष्ट्र सीमलेस में खरीदारी करनी चाहिए। आज 327 के आसपास ये स्टॉक बंद हुआ है। हाल ही में एक्स बोनस हुआ है, एक पे एक बोनस दिया था कंपनी ने और उसके बाद हमने देखा थोड़ा बहुत इसमें करेक्शन हुआ है, बट बहुत अच्छे लेवल्स पे स्टॉक आ गया है। एक दमदार फंडामेंटल्स वाली कंपनी है जो कि भारत के एक लीडिंग सीमलेस पाइप्स बनाने वाली कंपनी है और इन्होंने कुछ क्वार्टर्स पहले ही एक यूनाइटेड सीमलेस तेलंगाना में इस कंपनी का अधिग्रहण किया, उसके बाद उसको भी टर्न अराउंड किया तो उससे इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे सुधर गए। बाकी ये कंपनी अंडर सी ऑयल और गैस ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी केबल्स बनाती है जिसका पहला ऑर्डर इनको हाल ही में मिला है और बाकी जबरदस्त एक ऑर्डर बुक है। फिर क्लाइंट लिस्ट, मार्की क्लाइंट लिस्ट है, रिलायंस, IOC, LNT, भेल, NTPC, अडानी, इन सब के लिए काम करती है और बाकी बाजार के दिग्गज निवेशक आकाश और लता भंसाली जी भी इसमें मिलकर 3.4% स्टेक ओन करते हैं। फिर FISDA का भी अच्छा खासा भरोसा है, LNT म्यूचुअल फंड उसमें प्रोमिनेंट है। मुझे लगता है ये स्टॉक जो हाल ही में गिरावट के बाद अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 450 रुपये। लंबी अवधि के लिए महाराष्ट्र सीमलेस में खरीदारी की सलाह विकास सेठी की ओर से आ रही है।